हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं चार अनाज को मिक्स करके एक रोटी। तो ये चार अनाज कौन से हैं? तो इसमें हमने पिसाया है मक्का, बाजरा, जौ और चना। इन चारों अनाजों को हमने एक साथ इसी में पिसा लिया है और इसका बनके तैयार हो गया है ये आटा, जैसे कि गेहूं का आटा होता है उसी तरह से। और इसको हम आज बनाएंगे रोटी। तो इसको हमने छान लिया है और इस तरह से हम थोड़ी सी जगह बीच में कर देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं आधी चुटकी नमक। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, पर हम हल्दी इसमें नहीं डालेंगे। इसका कलर हमें ऐसे ही अच्छा लगेगा, कलर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस रोटी हमारी अच्छी बननी चाहिए। अब इस तरह से हम जगह इसमें कर देंगे बीच में। और इसमें हम डाल देंगे गुनगुना पानी। तो इसको हम गुनगुने पानी से गूंथेंगे ताकि हमारी रोटियाँ जो वो फटे नहीं, अच्छे से बने। तो ये हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालेंगे, ये देखिए। और इस तरह से हम इसको चम्मच से मिलाएंगे। हाथ से मिलाएंगे तो हाथ जल जाएंगे, क्योंकि गुनगुना है पानी। तो अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से। ये खाने में रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है, गांव में बनती है, हमारे गांव में रोटी ये बनती है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डो बन के तैयार हुआ है। और आप जब भी इस तरह से बनाएं इस आटे की रोटी, तो कोई ऐसा बर्तन लें जो ताकि बड़ा हो और उसमें अच्छे से गूंथते हुए आटा बन जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पटक पटक के इसको गूंथ लेना है अच्छे से। इसको हम अच्छे से गूंथेंगे तभी इसकी रोटियाँ हमारी चिपकेंगी नहीं, वरना साइड से चिपक जाएंगी, फट जाती हैं जैसे कि। इसको हम इस तरह से गूंथ लिए हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारी ये पहचान है कि हमारे जो मक्का, जौ, बाजरा की रोटी होती है, मतलब आटा होता है, उसका आटा किसी भी बर्तन में आप इसको गूंथेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से बनके ये तैयार हुआ है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर हम बनाएंगे इसकी रोटियाँ। तो ये देखिए, हमने ये ले लिया है चकला और इस पर हम बनाएंगे जैसे कि रोटियाँ हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये देखिए, हमारा आटा अब इस तरह से हमारा ये हो गया है, थोड़ी लस्सी इसमें आ गई है। इसको गुनगुने पानी से गूंथेंगे तो इसमें लस्सी आ जाती है। इसको हम इस तरह से बना लेंगे और सूखा आटा लगाकर इसको हम बेल लेंगे। वैसे तो ये रोटियां बेलनी नहीं चाहिए, इसको हम हाथ से ही बनाते हैं जो चूल्हे पर बनती हैं। तो इस तरह से पानी लगा के हाथों से इस तरह से बढ़ा लेते हैं, पर हम गैस पर बना रहे हैं तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम बेल लेते हैं। तो ये हमने सूखा आटा लगा लिया है, अब इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे इस तरह से। और जैसे कि गेहूं की रोटी बढ़ जाती है बेलने से, तो ये बढ़ेगी नहीं, इसको पलटना पड़ेगा इस तरह से, उलट पलट के तब इसको हम बेलेंगे। ये देखिए, इस तरह से गेहूं की रोटी होती है, उसको बेलो तो वो चलने लगती है, पर ये नहीं चलेगी। इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे और हमारी किनारियां जो फटेंगी तो उसको हम इस तरह से सही कर लेंगे। तो ये हमने तावा गैस पर रख दिया है और तावा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हम गैस को धीमा कर देंगे। तो अब इस पे हम डाल देते हैं रोटी। तो इस तरह से हमने डाल दी रोटी और इसको हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे ताकि हमारी रोटी जले नहीं और अच्छे से अंदर तक सिक जाए। तो ये देखिए, रोटी हमारी पक गई है। इस तरफ हमने पका ली है और इस तरफ भी हमने पका ली है इसको। अब इसको हम तावे को हटा देंगे और इसको हम धीमी आंच पर सेक लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। आज हम पहली बार बना रहे हैं मक्के और जौ की रोटी, वैसे हमारी मम्मी बनाती हैं। कैसी बनी है रोटी हमारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये देखिए, धीमी आंच पर ही पकाएंगे और हमने इसमें गेहूं का आटा बिल्कुल भी नहीं मिलाया है। देखने से ही लग रहा है कि इसमें गेहूं का आटा नहीं मिला है। जिसने भी खाई होगी जो मक्का बाजरा की मिक्स रोटी, वो पहचान लेगा। तो ये रोटी हमारी पक्के तैयार हो गई है, ये देखिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारी रोटियों को पका लिया है। ये देखिए, हमारी रोटी फूल भी गई है अच्छे से। हमने पहली बार बनाया है, फिर भी हमारी रोटी हमारी अच्छी बनी है, ये देखिए।
तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई हैं। मक्का, जौ, बाजरा, चना की मिक्स रोटियाँ, ये देखिए इस तरह से हमारी रोटी बनके तैयार हुई है। इसमें हमने गेहूं का आटा नहीं मिलाया, अगर हम चाहते तो गेहूं का आटा मिला भी सकते थे, पर नहीं, क्योंकि इसी तरह से रोटी इसकी ज़्यादा ही खाने में टेस्टी लगती है। और ये देखिए, ये इसकी पहचान है कि ये जो इसके आसपास हैं, ये जो ये फट जाती हैं, अगर इसमें हम गेहूं का आटा मिलाते तो ये नहीं फटती। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी सेमी की सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए, और ये हमारी रोटियां भी बनके तैयार हुई हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी ये रोटी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर हमारा तरीका आपको अच्छा लगे तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।